चल रही है ना, आपको मैं बता दूं ये बिना पेट्रोल के, बिना डीजल के, बिना बैटरी के चल रही है। अब आप सोचते होंगे भाई ये चलती क्या चीज़ है, तब ये सबसे नहीं चलती है तो आपकी जानकारी सबसे बता दूं, आपको याद है बहुत पहले एक टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी जिससे ट्रेन चलती थी। वो टेक्नोलॉजी क्या थी आपको बता दूं, कोयला डाल के ट्रेन चलाती जाती थी। पर लेकिन वही टेक्नोलॉजी अगर अभी के डेट में यूज किया जा रहा है, आप जैसे कि देख सकते होंगे, और आपकी जानकारी सबसे बता दूं कि ये स्टार्टिंग नहीं की है, दरअसल ये स्टार्टिंग नहीं है, बहुत पहले से चलाई जा रही है जो कि अभी तक अमेरिका में चलाई जाती है। और आपको जानकारी सबसे बता दूं, इसमें दो चीज़ का अच्छी तरीके से बजट होता है, इसमें पेट्रोल का खर्चा नहीं होता है, डीजल का भी खर्चा नहीं होता है, बैटरी का भी खर्चा नहीं होता है, और आसान तरीके से ये काम कर सकती है, मतलब कि गजब है भाई साहब। मैं दिखा रहा हूँ ये तो कुछ भी नहीं है, तो बस खाली स्टार्टिंग है, और दरअसल अभी तो बहुत कुछ बाकी है। आपको बता देता हूँ कि आपको ये भी पता होगा कि कोयला से चलने वाला शिप भी बनाया जा चुका था उस समय में, जो कि अभी तक भी यूज की जाती है, और यहाँ तक से नहीं, आपको बता देता हूँ कि बहुत पहले चाइना में एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जहाँ से हर जगह शिप पार होती है, हर एक शिप, मतलब कि इंडिया से लेकर अमेरिका तक शिप पार होती है वहाँ से, क्योंकि वहाँ से अगर पार ना हो तो हमारी कोई काम हो ही नहीं सकती है। तो जैसे कि देख ही सकते होंगे किस तरीके से उस ज़माने में शिप को जो होती है पार्किंग वाला, वो कैसे खोनी गई थी, मतलब इस तरीके से खोनी गई थी, और किसके मदद से, जेसीपी की मदद से खोनी गई थी, जो कि कोयला पर मत चलती है, मतलब कि गजब है भाई साहब। और आपको बता देता हूँ कि इस तरीके से ट्रेन को पटरी भी बिछाने में यूज की गई थी उस समय, जो इस समय ट्रेन चल रहा था कोयला वाला, जो कि अभी के डेट में नहीं चल रहा बात की बात है, पर लेकिन उस समय यही गाड़ी का यूज की गई थी। और आपको ये भी बता देता हूँ कि ऐसी टेक्नोलॉजी का अगर यूज करें अगर अभी के डेट में ना, तो हमारी बहुत कुछ बचने वाली है, पैसा से लेकर अब बहुत टाइमिंग तक बच सकती है हमारी। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी।